नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्षिता एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों बात करते हैं गुरु का राशि परिवर्तन आपकी राशि कन्या के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों गुरु की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 13 मास है, इसलिए गुरु के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब 13 माह के बाद 13 अप्रैल को गुरुदेव एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद गुरु फिर से अपनी सबसे प्रिय राशि मीन में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल से लेकर अगले 13 मास तक गुरु मीन राशि में ही गोचरस्थ रहेंगे। देखते हैं 13 अप्रैल को गुरु का मीन राशि में प्रवेश कन्या राशि के लिए क्या लेकर आएगा। दोस्तों 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो कि गुरु का अपना ही भाव है। सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम भाव पर ही गोचर उत्तम है तथा वह स्वामी गुरु हो तो अत्याधिक उत्तम है। हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। जन्म कुंडली में इस योग का बहुत महत्व है। गोचर कुंडली में भी इस योग के काफी शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपकी गोचर कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों पिछले लंबे समय से गुरु का आपकी राशि के छठे भाव पर गोचर नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर रहा था। सुख शांति भी प्रभावित हो रखी थी। दंपत्य जीवन में भी प्रसन्नता की कमी महसूस हो रही थी। कहीं से भी सुख चैन नहीं था, परंतु अब 13 अप्रैल के बाद गुरु के संबंध में परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी। गुरु का शुभ गोचर विघ्न बाधा और विपत्तियों का नाश करेगा। सुख चैन का अनुभव करेंगे। जीवन साथी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। गुरु के इस गोचर काल में जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन व्यापार और भागीदार का विचार किया जाता है। व्यापार भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति व्यापारिक दोस्तों के लिए हर प्रकार से लाभप्रद है। ठंडे तथा मंदे पड़ चुके व्यापार में तेजी आएगी। ज्ञान कारक गुरु के प्रभाव से आप अपनी लगन मेहनत ज्ञान विवेक शक्ति और बौद्धिक योग्यता से व्यापार के रास्ते आने वाली चुनौतियों से सहजता से निपट लेंगे। अपने ज्ञान कौशल और सूझबूझ से व्यापार में विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भागीदार के साथ पुराने कोई मतभेद हैं तो वह मतभेद भी दूर होते दिखाई देंगे। सफलता और उन्नति के लिए भागीदार का योगदान भी खास रहेगा। दोस्तों संतान कारक गुरु की शुभता से संतान सुख में वृद्धि होगी। गुरु का पिछला छठे भाव पर गोचर संतान के संबंध में भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। संतान के साथ संबंध प्रभावित हो रखे थे। अब संतान कारक गुरु की शुभता से संतान के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। संतान सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगी। मेरे कन्या राशि वाले वह दोस्त जिनकी शादी विवाह के रास्ते में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, बात बनते बनते बिगड़ रही थी, परंतु अब गुरु के आशीर्वाद से शादी विवाह के रास्ते आने वाले अवरोध दूर होंगे तथा विवाह सुख शांति और प्रसन्नता पूर्वक संपन्न होगा। शादी योग्य अविवाहित विवाह सूत्र में बंधेंगे। आपकी राशि के लिए गुरु सप्तम भाव के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए गुरु की मजबूत स्थिति चतुर्थ भाव के शुभ फलों में भी वृद्धि करेगी। चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन मां मातृभूमि सुख वाहन भूमि भवन जमीन जायदाद जनता आदि का विचार किया जाता है। इसलिए गुरु के राशि परिवर्तन से माता जी के सुख स्नेह और स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। भूमि भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों गुरु के इस गोचर काल में घर परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। जनता से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को जनता के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं तो गुरु अब आपके प्रयासों को रंग लाएंगे। गुरु की कृपया से लाभ होगा। दोस्तों सप्तम भाव में गोचरस्थ गुरु के और भी अनेकों फायदे हैं। यह गुरु आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा तथा आत्मविश्वास को अत्यधिक मजबूत करेगा, क्योंकि सप्तम भाव से गुरु के एकादश, प्रथम और तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इन दृष्टियों के परिणाम स्वरूप तंदुरुस्ती, ताकत और तरक्की आपके पीछे पीछे भागेगी। एकादश भाव से आय एवं लाभ का विचार किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। लाभ भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे, इसलिए इस दृष्टि से आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। गुरु के इस गोचर काल में किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेंगी। दोस्तों, इस अवधि में कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना या पुराने व्यापार में नया निवेश करना लाभप्रद रहेगा। कार्य व्यापार में जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। व्यापार भाव पर स्थित होकर गुरु की आय एवं लाभ भाव पर दृष्टि से व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष वृद्धि होगी। लोक लग चुका व्यापार भी अनलोक होगा। कुल मिलाकर गुरु की एकादश भाव पर उच्च दृष्टि आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता दिलाएगी। भाई बहनों और मित्रों का अच्छा सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। उनके माध्यम से भी आपके अनेक कार्य संपन्न होंगे। दोस्तों, गुरु की प्रथम भाव पर दृष्टि अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगी। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा होगा। बाहरी सुंदरता के साथ आंतरिक सुंदरता में भी निखार आएगा। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य मजबूत और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। ज्ञान कारक गुरु की बुद्धि कारक बुद्ध की राशि कन्या पर दृष्टि नए नए विचारों और नई योजनाओं का जन्म देगी। आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम छोटे भाई बहनों, कानों, पड़ोसियों, छोटी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से आपका उच्च मनोबल बहुत सहायक सिद्ध होगा। पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी दोस्तों की यात्रा व्यापार के संबंध में हो सकती है। व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी तथा उनकी लेखनी दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी। वह आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। सोशल मीडिया में नेम और फेम बढ़ेगा। संचार कार्यों से जुड़े दोस्त भी इस अवधि में अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल में निखार आएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।